अर्थव्यवस्था की नाजुक हालत को बजट में दी गई कॉर्पोरेट टैक्स में राहत से सहारा मिल सकता है। इस बार बजट में वित्त मंत्री ने 25% कॉर्पोरेट टैक्स की रियायत का फायदा 400 करोड़ सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों तक बढ़ा दिया था। कॉर्पोरेट टैक्स इज कंसर्न्ड, वी कंटिन्यू विद फेस्ड रिडक्शन इन रेट्स। करंटली अ लोअर रेट ऑफ 25% इज ओनली एप्लीकेबल टू कंपनीज हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू 250 करोड़। करंटली द लोअर रेट ऑफ 25% is only applicable to companies having annual turnover of up to 250 crores. I propose to widen this to include all companies having an annual turnover of up to 400 crores. इस कटौती के बावजूद सरकार ने साल के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 2019-20 के लिए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य 13.35 लाख करोड़ रुपए तक किया है। ये पिछले साल के 11.37 लाख करोड़ के कलेक्शन के मुकाबले 17% ज्यादा है। पिछले संशोधित अनुमान में 2019-20 के लिए लक्ष्य 24% बढ़ाकर 13.78 लाख करोड़ रुपए तक किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के मुखिया प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने बजट में पहले दी गई हमारी सलाह को मानकर लक्ष्य में कटौती की है। हालांकि नया लक्ष्य भी मुश्किल है, लेकिन CBDT चेयरमैन ने इसे भी हासिल करने लायक बताया है। बढ़ोतरी अगर आप उस दिशा में देखना चाहें तो वो करीबन 17.5% की बढ़ोतरी है, और अगर आप पिछला ट्रेंड देखें तो हम पिछले 3 साल से करीबन 15-18% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये टारगेट काफी रियलिस्टिक है और हम इसको अचीव करने में सक्षम हैं। लेकिन इस लक्ष्य और कॉर्पोरेट टैक्स कटौती के बीच एक गुड न्यूज की तरफ भी CBDT चेयरमैन ने इशारा किया है। मोदी ने कहा है कि सरकार छूट और कटौती खत्म होने के बाद कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में और कमी लाने पर विचार कर सकती है। हालांकि ये काफी कुछ इस पर भी तय करेगा कि सरकार पिछले साल की तरह डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के अपने टारगेट को हासिल कर पाती है या नहीं। कि जो हमारा पहले बजट एस्टीमेट के मुताबिक जो टारगेट था वो 11,50,000 करोड़ था, जो कि बाद में बढ़ा के 12 लाख किया गया। हालांकि बढ़ाते वक्त भी थोड़ा सा वो बहुत ही स्टीप टारगेट था, और अगर आप बी से देखें तो हमारा जो डेफिसिट रहा है वो बहुत ही मार्जिनल रहा है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी ने इस बार बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट हमको दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स को सरकार दूसरे लक्ष्य हासिल होने के साथ घटा सकती है। अनुमान है कि अगले 5-10 साल में इसकी दर में काफी कमी हो सकती है।